आराम से करो। हाँ आप ठीक जिस तरह से निषाद पार्टी ने सिंगवेरपुर से संकल्प रैली के माध्यम से 2022 का बिगुल फूंका है, क्या माना जाए 2022 निषाद पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखो भाई, ये संस्कृति है, संस्कृति एक क्या नहीं होता, उसमें बहुत लोग समाहित रहते हैं। ये निषाद राज राम राज की बात यहाँ है, यहाँ राम आए थे तो निषाद राज के गले मिलते भगवान हो गए थे, तो जैसे सबको हमने गले लगाया, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब महान हो गए, तो हम चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं तो हमारे समाज को भी महान बना रही है। यहाँ बहुत पैसा खर्च किया और पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, निषाद राज के किले को चमका दिया, तो ऐसी पार्टी के साथ हमें रह के अगले 2022 के हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पे पहले कोई नहीं आता था, ये आज जगह स्वर्ग हो गए, इसके बारे में सुंदरीकरण सौंदर्यीकरण सर इसका नाम ही स्वर्ग है। यहाँ तो मृत आत्मा को इसीलिए जलाने आते हैं कि यहाँ से राम को स्वर्ग हुआ था, तो अगर मरने वाले को स्वर्ग की बात करते हैं तो जिंदा आदमी को तो स्वर्ग पक्का है। और जब निषाद राज कलम चलाते थे तो जनता सुखी थी, असली लक्ष्मी जी जनता के यहाँ जाती थी, आज के दिन में नकली लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँच गई हैं और असली लक्ष्मी जी तो बड़े बड़े लोगों के पास पहुँच गए। तो इसीलिए मैं इनको जगा रहा हूँ कि निषाद राज के असली अगर खून हो तो राजनीति करते थे, आओ राजनीति करो और अपना तख्ता अपना बूथ तय करो, बूथ जीतो तो सरकार सत्ता जीतो, सत्ता जीतते ही सरकार आपकी होगी, फिर किला आपका। मुख्य उद्देश्य क्या होगा आज के कार्यक्रम का, इतनी भारी संख्या में आपने भीड़ बुलाई? एक ही उद्देश्य होता है कि देखो, संस्कार और स्वाभिमान से और जो संगत होती है उससे जो है वो सत्ता में सत्ता मिलती है। तो संस्कार के लिए मैं यहाँ बुलाता हूँ और संगत के लिए यहाँ बुलाता हूँ, संकल्प के लिए बुलाया था, आज वो लोग कसम खाए हैं। और जब अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन जब होता है तभी जाके सत्ता की चाबी मिलती है, तो इनको अनुशासित तरीके से इन्हें बुलाया गया और इन्हें संकल्प कराया गया और ये 2022 की सत्ता की चाबी लेने के लिए संकल्पित है।